बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं बनाने लगी हूँ आज पकौड़े। तो मैं पालक कटिंग कर रही हूँ, इसलिए कि पकौड़ों में पालक काम ही डलती है। वैसे वो मैं ज़्यादा ले आई थी, तो मैंने कहा चलो सारी कटिंग कर लेती हूँ ना, जितनी डालनी होगी डाल देंगे। ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, ब्रीक ब्रीक कटिंग करूँगी। अभी ये देखे माशाल्लाह मैंने कटिंग कर ली है। ये देखे कितनी बारीक कटिंग हुई है, ये मैंने कटिंग कर लिया, मेरे मुझे इतनी काफी है। ये बाद में मैं काट लूंगी, अभी मैं आलू छील लूंगी। अभी मैं आलू छील लेती हूँ, अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से वैसे छिलका नहीं उतरता। ये देखिए इसकी कैसी शेप बनी हुई है, ऐसे दिल बना हुआ है। बस अल्लाह की कुदरत है ना, जैसी मर्जी चीज उगाए जैसी मर्जी शक्ल में। अब मैं आलू को छील के फिर उनकी कटिंग कर लेती हूँ। अभी ये देखिए मैंने आलू भी छील लिए हैं, प्याज भी और पालक भी। अभी मैं कटिंग करके लंबाई में कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करके फिर इनको धो दूंगी। मुश्किल तो होती है मुझे ये सब्जी वगैरह बनाने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपने सारे सिस्टम सेट किए हुए हैं अल्लाह ने खुद ही। बंदे ने जो अल्लाह ने बंदे से जो एक चीज़ ली है उसके बदले में अल्लाह ने 1000 नेमते बंदे को दी है। उसके सबसे ज्यादा हाउस वाइफ मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। ये नहीं है कि जो टीचर है वो ज्यादा करती है, या उनका दर्जा अपनी अपनी जगह, लेकिन जो घर के काम करती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं। अल्लाह ताला ने एक माँ का दर्जा इसीलिए तो ज्यादा रखा है कि माँ अपने बच्चों को एक जगह पे रखती है, उनको अच्छी तरबियत देती है। तो सुबह सुबह उठ जाते हैं फजर की नमाज से, सारा दिन बस यही काम होता है, बच्चों को ये देना, बच्चों को ये ऐसे करना, बच्चों को वैसे करना है। कि जिंदगी में बस एक ही चीज़ है कि
उनकी पसंद की चीज उनकी पसंद का ख्याल रखना, बच्चों की पसंद का। अभी ये देखे मैंने आलू को भी कटिंग कर लिया, अभी मैं धोने लगी हूँ उनको। अभी मैं सारे डालूंगी छन्नी में। अच्छे तरीके से इनको धो लूंगी, इसलिए मैंने पहले लेते ना धोए। प्याज भी मैंने अंदर ही कटिंग कर लिया था लंबा लंबा। अभी ये मैं पालक ये धोने लगे। इसके नीचे मैं रखूंगी प्लेट। अभी ये मैंने आलू को आपको था मैंने धो लिया था, साथ ये प्याज भी लंबा लंबा ही कटिंग किया जैसे आलू कटिंग की है। तो अभी मैं डालूंगी इसके अंदर पालक। मैंने पालक डाल लिया, अभी मैं डालूंगी अनारदाना। अनारदाने को मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था, तो भिगोने से ये नरम पार जाता है। अब मैं डालूंगी चाट मसाला, नमक, अपने जायके के हिसाब से जितना आपको, दादर मिर्च, ये नींबू है बीज मैंने निकाल लिए थे, फिर भी कोई ना कोई रह जाता है। ये है सब्ज मिर्च छोटी छोटी काट ली। अभी मैं डालूंगी सूखा धनिया, ये दरदरा सा मैंने काट के रखा हुआ था। ये हल्दी जिसे बसार कहते हैं, ये अपने जायके के हिसाब से। अभी मैं डालूंगी बेसन, अभी मैंने फ्रेश लाया था ना इस वजह से सही है, नहीं तो पड़ा हो ना घर में पहले से तो फिर उसमें शक होता है कि कोई चीज़ ना पड़ गई। अभी मैं इसको सारे को अच्छे तरीके से मिला लूँगी। पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़नी कि तो पालक में भी पानी छोटा होगा तो आलूओं के भी पानी छोटा होगा। अभी ये देखिए मेरा मिक्सर रेडी रेडी हो गया है, इसको मैंने परात से निकाल के बाउल में रख लिया है। अभी मैं साथ करूंगी कैचअप का इंतजाम। तो ये मैंने गाजरें ले ली हैं, इससे कैचअप बनाऊंगी। मैंने सोचा कि बाजार से तो लानी है कैचअप, इतनी महंगी पड़ती है, चलो गाजरें सस्ती हुई हैं गाजरों से कैचअप बना लेती हूँ।
बच्चे खुश होकर खा लेते हैं पकौड़ों के साथ कैचअप को। तो अभी मैंने गाजर को अभी मैं इनके पीस काट लूंगी ये अंदर से। अभी मैंने गाजरों के पीस काट लिए थे, ये देखिए कैसे पीस काट लिया। अब इनको अच्छे तरीके के साथ में धो लूंगी। अभी ये लहसुन और अदरक है इनको भी मैं धो लूंगी। ये अब गाजरें हो गई, इनके इतने इतने पीस ही रखने हैं। ये लहसुन अदरक या ये दो मैंने ली हैं गटरियां, तो अभी मैं इनको उबालने के लिए रख। मैं देसकी के अंदर ये पीस डाल दिए, साथ मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, साथ एक गिलास पानी डाल दूंगी। पानी उतना ही डालना है कि अंदर ही खुशक होए, बाहर ना निकाल लेगा। तो अभी मैं ये चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। अभी ये देखे गाजरे मेरी गल गई है, ये देखे। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा ठंडा करूंगी। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, तो अभी मैं डालूंगी इसके गाजर। अब ये तीन चीजें हैं, अदरक लहसुन और गाजर, इनको मैंने खलो एक मिनट। अभी ये देखे हो गया है माशाल्लाह, ये देखे अभी ये हो गया। अभी मैं डालूंगी फिर देसी के अंदर। वाओ, अभी मैं इसके अंदर डालूंगी सुरह मिर्च ले जाके के हिसाब से, साथ में डालूंगी नमक। इसको अच्छे तरीके के साथ करेंगे कि इसका अंदर जो पानी है वो भी शक हो जाए। ये देखे वैसे ही, ये देखे कितना प्यारा कलर है। तो ना भी कलर अच्छा है तो आप चिकंदर की एक छोटी सा पीस डाल सकते हैं। अभी मैंने नमक मिर्च डाल दिया, अभी थोड़ी सी चीनी डालूंगी हाफ चम्मच। अभी मैं डालूंगी सिरका, चल आधा चम्मच मैंने चीनी वाला डब्बा या ये देखे पटाहे मारना शुरू हो गया। इसका यही है कि अभी हो रहा है थोड़ा काम। अभी ये देखे मेरी कैचअप रेडी हो गई है, अभी मैं पकौड़े बनाऊंगी। माशाल्लाह आपने भी घर में ट्राई करनी है, ये देखे कितनी टेस्टी बनी। तो अब मैं पकौड़ों का काम करने लगी, अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ। कैचअप तो मेरी रेडी हो गई है, पकौड़े बन जाएंगे फिर बच्चे भी इंजॉय करेंगे और खुद भी हम खाएंगे।
के दही वाले रहते के साथ, इनके साथ मजा आता। मैंने कहा चलो आज कैचअप के साथ बना लेते, गाजरें पड़ी हुई थी घर तो मैंने खा ली। ये देखिए ये हो गया, निकाल लेती। साथ साथ बच्चों को रोटी दे ही जाती है। मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जहाँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।